दोस्तों, हमारी आज की वीडियो है कोल माइन रेगुलेशन पार्ट 5 की। इस वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेशन नंबर 64 से 75 तक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने इसकी पिछली वीडियोस में काफी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया। हमारा जो लाइक एम था 200 लाइक, वो भी आपने कम समय में पूरा कर दिया और काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो व्यक्ति नए हैं, जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियोस की लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने कुछ नया करने का ट्राई किया है। माइनिंग से संबंधित जो फुल फॉर्म्स होते हैं, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, उन्हें ऐड किया है। और अभी तक के जो रेगुलेशन कवर किए जा चुके हैं 63 तक के, उनके कुछ क्वेश्चन भी रिविजन के तौर पर ऐड किए गए हैं, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आइटम्स आर नॉट मेंशन्ड इन द माइन मैप, यानी खदान के नक्शे में किन चीज़ों का उल्लेख नहीं होता है। ऑप्शन ए माइन नेम, ऑप्शन बी ओनर नेम, ऑप्शन सी द पर्पस ऑफ द मैप, ऑप्शन डी ओवरमैन नेम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ओवरमैन नेम। खदान के नक्शे में ओवरमैन का नाम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर टू, नॉर्मली ऑन व्हाट स्केल आर द माइंस मैप्स ड्रॉन अनलेस प्रोवाइडेड, यानी सामान्यतः खदान के नक्शे कितने पैमाने पर बनाए जाते हैं जब तक उपबंधित ना किया जाए। ऑप्शन ए 1001, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन सी 5001, या ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1001 और 2001 के पैमाने पर सामान्यतः खदान के नक्शे बनाए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन इज ए वर्टिकल प्लान प्रिपेयर्ड, यानी वर्टिकल प्लान कब बनाया जाता है। ऑप्शन ए एवरेज स्लोप मोर देन 15 डिग्री, ऑप्शन बी एवरेज स्लोप मोर देन 30 डिग्री, ऑप्शन सी एवरेज स्लोप मोर देन 45 डिग्री, ऑप्शन डी एवरेज स्लोप मोर देन 50 डिग्री। तो इसका आंसर ऑप्शन बी एवरेज स्लोप मोर देन 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री से अधिक ढाल होने पर वर्टिकल प्लान बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ए वर्क प्लेस डज नॉट हैव टू एग्जिट रूट्स, हु अलाउज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी यदि किसी कार्यस्थल में दो निकास मार्ग नहीं हैं तो व्यक्तियों के नियोजन की अनुमति कौन देता है। ऑप्शन ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी ऑनर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच प्लान इज मेड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सीम्स इज लेस देन 9 मीटर, यदि दो सीम की आपस में दूरी 9 मीटर से कम हो तो कौन सा प्लान बनाया जाता है। ऑप्शन ए की प्लान, ऑप्शन बी जॉइंट सर्वे प्लान, ऑप्शन सी कंबाइंड प्लान, या ऑप्शन डी जियोलॉजिकल प्लान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कंबाइंड प्लान। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु कैन ऑर्डर टू मैप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, यानी कि अलग प्रकार के पैमाने पर नक्शा बनाने का आदेश कौन दे सकता है। ऑप्शन ए रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर, या ऑप्शन डी ऑनर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चीफ इंस्पेक्टर। अलग प्रकार के पैमाने पर नक्शा बनाने का आदेश चीफ इंस्पेक्टर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स द माइंस मैप्स इज नॉट मेड, यानी माइंस का नक्शे में इनमें से किस चीज पर नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन ए ड्यूरेबल पेपर, ऑप्शन बी ट्रेसिंग क्लॉथ, ऑप्शन सी पॉलिस्टर फिल्म, या ऑप्शन डी रेगुलर पेपर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रेगुलर पेपर। रेगुलर पेपर पे माइंस का नक्शा नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, फुल फॉर्म ऑफ CHP, यानी CHP का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए कोल हैंडलिंग प्लांट, ऑप्शन ए कोल हैंडलिंग प्लान, ऑप्शन बी कोल हैंडल प्लांट, ऑप्शन सी कोल हैंडलिंग प्लांट, और ऑप्शन डी कोल हेल्थ प्लान। एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कोल हैंडलिंग प्लांट। CHP का फुल फॉर्म कोल हैंडलिंग प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज द रेगुलेशन नंबर 9, यानी रेगुलेशन नंबर 9 क्या है। ऑप्शन ए नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, ऑप्शन बी नोटिस ऑफ डिसीज, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, या ऑप्शन डी नोटिस ऑफ रीओपनिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नोटिस ऑफ डिसीज, रेगुलेशन नंबर 9 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हेन ए जॉइंट सर्वे प्लान प्रिपेयर्ड, यानी कि जॉइंट सर्वे प्लान कब बनाया जाता है। ऑप्शन ए वर्किंग विद इन 60 मीटर ऑफ एडजस्टमेंट माइन बाउंड्रीज, ऑप्शन बी टू शो द एक्सटेंट ऑफ द माइन, ऑप्शन सी व्हेन ऑल माइन इज फिल्ड विद वाटर, या ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ MGR, यानी MGR का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए मेरी गो राउंड, ऑप्शन बी मूव गो राउंड, ऑप्शन सी मेरी गॉन राउंड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मेरी गो राउंड, MGR का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टू बी इन द अंडरग्राउंड मैप ऑफ द माइन, यानी खदान के भूमिगत नक्शों में इनमें से क्या होना आवश्यक नहीं होता है या नहीं होता है ये चीज। तो ऑप्शन ए इंक्लाइन, ऑप्शन बी क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी पंपिंग स्टेशन, या ऑप्शन डी कॉलोनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कॉलोनी नहीं होता है भूमिगत नक्शे में। तो क्वेश्चन नंबर 13, ए मैकेनिकल डिवाइस इज यूज इन ए माइन शाफ्ट व्हेन शाफ्ट इज डीपर देन, यानी कितने मीटर से अधिक गहरे शाफ्ट पर आने जाने की व्यवस्था यांत्रिक साधन से की जाती है। ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर, या ऑप्शन डी इन एवरी शाफ्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 30 मीटर, 30 मीटर से अधिक गहरे शाफ्ट पर आने जाने की व्यवस्था के लिए यांत्रिक साधन उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन ए माइंड मैप, यानी एक नक्शे में इनमें से क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए ट्रू नॉर्थ, ऑप्शन बी मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑप्शन सी प्लान पर्पस, या ऑप्शन डी वर्कर्स मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वर्कर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, फुल फॉर्म ऑफ ISO इन माइनिंग, यानी माइनिंग में ISO का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन डी इंटरनेशनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ISO का फुल फॉर्म होता है माइनिंग में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रेगुलेशन नंबर 17। ऑप्शन ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, या ऑप्शन डी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट ऑफ सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, रेगुलेशन नंबर 17 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एट लीस्ट हाउ मच सेंटीमीटर्स लॉन्ग स्केल इज परमिसिबल फॉर माइंस प्लान, यानी कम से कम कितना लंबा उपयुक्त प्रकार से विभाजित किया हुआ स्केल पैमाना माननीय होता है। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 45 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, टू माइंस और इंक्लाइन ऑफ ईच माइंस शुड बी कंट्रोल्ड बाय, यानी प्रत्येक खदान के दोनों शाफ्ट या इंक्लाइन किसके कंट्रोल में होना चाहिए। ऑप्शन ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर, या ऑप्शन डी ऑनर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 19, मिनिमम नंबर ऑफ शाफ्ट इंक्लाइंस और अदर आउटलेट्स टू सरफेस इज नेसेसरी फ्रॉम एनी बिलो ग्राउंड वर्किंग एरिया, यानी प्रत्येक खदान से सरफेस में बाहर आने के लिए कम से कम कितने शाफ्ट या इंक्लाइन रास्ते होना चाहिए। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी थ्री, ऑप्शन डी चार। इसका आंसर ऑप्शन बी दो। क्वेश्चन नंबर 20, वट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंक्लाइन वैन मैन राइडिंग सिस्टम इज अप्लाइड, यानी इंक्लाइन की दूरी कितनी होने पर मैन राइडिंग सिस्टम लगाया जाता है। ऑप्शन ए 500 मीटर, ऑप्शन बी 1000 मीटर, ऑप्शन सी 100 मीटर, ऑप्शन डी 30 मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1000 मीटर होने पर, यानी 1 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर मैन राइडिंग सिस्टम लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फुल फॉर्म ऑफ OEM, यानी OEM का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन बी ओल्डर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन सी ऑनलाइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या ऑप्शन डी ओरिजिनल इक्विपमेंट मशीन।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ओईएम का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 22, देयर इज ए प्रोविजन टू रिवाइज द मैप बाय हाउ मेनी मंथ्स, यानी नक्शे को कितने महीने पीछे तक संशोधित करने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 3 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 9 months, ऑप्शन डी 12 months। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 3 months। क्वेश्चन नंबर 23, वॉट इज द रेगुलेशन नंबर 19, यानी रेगुलेशन नंबर 19 क्या है। ऑप्शन ए फीस फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एग्जामिनेशन, रेगुलेशन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 24, एवरी शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स प्रोवाइडेड शैल बी एग्जामिन्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी, यानी प्रत्येक शाफ्ट इंक्लाइन व अन्य निकास मार्गों की जाँच कितने दिनों में एक बार की जाती है। ऑप्शन ए एवरी डे, ऑप्शन बी 7 days, ऑप्शन सी 14 days, या ऑप्शन डी 30 days। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 7 days। शाफ्ट इंक्लाइन और अन्य निकास मार्गों की जांच 7 दिनों में एक बार की जाती है। नंबर 25, विच प्लान इज मेड फॉर द लीज लैंड, यानी लीज ली गई जमीन के लिए कौन सा प्लान बनाया जाता है। ऑप्शन ए की प्लान, ऑप्शन बी ज्वाइंट सर्वे प्लान, ऑप्शन सी कंबाइंड प्लान, या ऑप्शन डी जियोलॉजिकल प्लान। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जियोलॉजिकल प्लान, लीज ली हुई जमीन के लिए जियोलॉजिकल प्लान बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट शुड बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द अंडरग्राउंड पासेज कनेक्टिंग ऑफ 2 shaft incline और आउटलेट्स, यानी कि 2 shaft incline और आउटलेट्स को जोड़ने वाले भूमिगत मार्ग की लंबाई व चौड़ाई क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए 1.8 meter हाइट एंड 1.5 meter वाइड, ऑप्शन बी 1.8 मीटर हाइट एंड 1.2 मीटर वाइड, ऑप्शन सी 2.4 मीटर हाइट एंड 1.8 मीटर वाइड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.8 मीटर हाइट एंड 1.5 मीटर वाइड। क्वेश्चन नंबर 27, एवरी मैकेनाइज्ड आउटलेट शैल बी एग्जामिन्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 days बाय, यानी प्रत्येक यंत्रगत निकास मार्ग की जाँच प्रत्येक 7 दिन में इनमें से कौन करता है। ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और फोरमैन, ऑप्शन सी कॉम्पिटेंट पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इंजीनियर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी मतलब की। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है रेनफोर्स कॉन्क्रीट सीमेंट, ऑप्शन बी रेनफोर्स सीमेंट कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, या ऑप्शन डी रेन सीमेंट कॉन्क्रीट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रेगुलेशन नंबर 40, यानी रेगुलेशन नंबर 40 क्या है। ऑप्शन ए ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन सी ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस, या ऑप्शन डी ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। क्वेश्चन नंबर 30, इन एनी शाफ्ट लैडर्स आर यूज्ड एज अ मींस ऑफ इंग्रेस और डिक्रीज ऑफ पर्सन इन ए माइन, इंक्लिनेशन ऑफ नॉट मोर देन डैश डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यानी कि शाफ्ट में लगाई जाने वाली सीढ़ी का ढाल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 45 degree, ऑप्शन बी 60 degree, ऑप्शन सी 80 degree, ऑप्शन डी 90 degree। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 80 degree से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है, इसमें कोई चीज़ समझने में दिक्कत तो नहीं जा रही, या इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे आपका और हमारा एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो सके। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने माइनिंग के दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो कैसे करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ए मैप शोज ए करेक्ट पोजिशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक नक्शा इनमें से किसके साथ एक सही स्थिति दिखाता है। ऑप्शन ए सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड, ऑप्शन बी रिजर्व स्टेशन, ऑप्शन सी माइन मैगजीन, या ऑप्शन डी मैनेजर्स ऑफिस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए
सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड के सापेक्ष सही स्थिति दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच प्लान इज मेड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द लीज लैंड इन ए मैप, यानी कि यदि लीज ली गई जमीन को एक नक्शे में दिखाना संभव ना हो तो कौन सा प्लान बनाया जाता है। ऑप्शन ए की प्लान, ऑप्शन बी जॉइंट सर्वे प्लान, ऑप्शन सी कंबाइंड प्लान या ऑप्शन डी जियोलॉजिकल प्लान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए की प्लान। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द रेगुलेशन नंबर 65, यानी कोयला रेगुलेशन नंबर 65 क्या है। ऑप्शन ए ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शॉर्ट फायरर, ऑप्शन बी जनरल रिक्वायरमेंट्स अबाउट माइन प्लान या ऑप्शन सी टाइप्स ऑफ प्लान, ऑप्शन डी आउटलेट्स फ्रॉम ए माइन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी टाइप ऑफ प्लान्स रेगुलेशन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 34, सच शाफ्ट्स इंक्लाइंस और आउटलेट्स शैल नॉट बी लेस देन डैश 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 मीटर डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर एट एनी पॉइंट, यानी शाफ्ट निकास मार्ग या इंक्लाइन एक दूसरे से कितने पास नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 12.5 मीटर, ऑप्शन सी 13.5 मीटर या ऑप्शन डी 16.5 मीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 13.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, विद इन हाउ मेनी डेज द माइन प्लान्स आर सबमिटेड इफ द माइन वर्क इज पोस्टपोन फॉर मोर देन 60 डेज, यानी कि खदान का कार्य 60 दिन से अधिक स्थगित किए जाने पर कितने दिनों के अंदर नक्शे जमा किए जाते हैं। ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 90 डेज, ऑप्शन डी 120 डेज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 90 डेज। खदान का कार्य 60 दिन से अधिक स्थगित होने पर 90 दिन के अंदर नक्शे जमा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इफ द शाफ्ट, ये शाफ्ट है, इफ द शाफ्ट लैडर इज लॉन्ग देन आफ्टर हाउ फार द प्लेटफॉर्म इज गिवन, यानी यदि शाफ्ट में सीढ़ी लंबी हो तो कितनी दूरी के पश्चात प्लेटफॉर्म दिया जाता है। ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 15 मीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 9 मीटर, यदि शाफ्ट की सीढ़ी लंबी हो तो 9 मीटर के पश्चात प्लेटफॉर्म दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, हु गिव्स परमिशन व्हेन देयर इज नो एग्जिट रूट फ्रॉम ईच अंडरग्राउंड प्लेसेस, यानी खान के प्रत्येक भाग से बाहर जाने वाले रास्ते ना होने पर छूट कौन देता है। ऑप्शन ए रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर या ऑप्शन डी ऑनर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 38, विद इन हाउ मेनी डेज द माइन प्लान्स आर सबमिटेड इफ द माइन वर्क इज अबेंडेंड और क्लोज्ड, यानी खदान का कार्य अबेंडेंड या बंद हो जाने पर कितने दिनों के अंदर नक्शे जमा किए जाते हैं। ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 90 डेज या ऑप्शन डी 120 डेज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 39, इफ देयर इज अ लैडर इन अ शाफ्ट देयर इज अ प्रोविजन टू कीप इट आउट ऑन द सरफेस टू हाइट क्वेश्चन मार्क, यदि शाफ्ट की सीढ़ी लगी हुई है तो सरफेस पर कितनी ऊंचाई तक बाहर रखने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, ऑप्शन डी 4 मीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40, खान में कोई दुर्घटना होने पर सूचना दी जाती है, ऑप्शन ए चीफ इंस्पेक्टर को, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर को, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट को या ऑप्शन डी सभी को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 41, एवरी सिंकिंग शाफ्ट प्रोवाइडेड विथ ए परमानेंट लाइनिंग ऑफ मेटल कॉन्क्रीट और मशीनरी विल नॉट बी मोर देन डैश 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 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शाफ्ट, यदि किसी सिंकिंग शाफ्ट में परमानेंट लाइनिंग धातु कंक्रीट या गाथने की हो तो शाफ्ट की तल्ली कितने मीटर से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 6 मीटर, ऑप्शन सी 9 मीटर, ऑप्शन डी 20 मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42, गजट में विनिर्देशित रोग होने पर कितने समय के अंदर सूचना दी जाती है, ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन या ऑप्शन डी 3 दिन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 43, विच सर्टिफिकेट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली, यानी कौन सा प्रमाण पत्र केवल ओपन कास्ट तक सीमित नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए ओवरमैन, ऑप्शन बी गैस टेस्टिंग, ऑप्शन सी सर्वेयर, ऑप्शन डी माइनिंग सरदार। तो इसका आंसर ऑप्शन बी गैस टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 44, एवरी सिंकिंग शाफ्ट प्रोवाइडेड विथ ए परमानेंट लाइनिंग ऑफ आयरन और स्टील रिंग्स विथ ए सबस्टेंगल लैगिंग नॉट बी मोर देन डैश 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 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शाफ्ट, यदि किसी सिंकिंग शाफ्ट में परमानेंट लाइनिंग लोहे व स्टील की रिंग व मजबूत लैगिंग से कांति को सपोर्ट किया जाता है तो शाफ्ट की तल्ली कितने मीटर से अधिक
नहीं होगी। ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 6 मीटर, ऑप्शन सी 9 मीटर या ऑप्शन डी 20 मीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मच एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट फ्रॉम डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा से खनन सरदार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितना अनुभव आवश्यक होता है। ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल या ऑप्शन डी 4 साल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 साल। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मैनेजर, यानी मैनेजर बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी 23 साल या ऑप्शन डी 25 साल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 23 साल। क्वेश्चन नंबर 47, इफ एन इंजीनियर वांट्स टू वर्क इन 2 माइंस देन ही हैज टू टेक परमिशन, यानी यदि किसी इंजीनियर को 2 खदान में कार्य करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ती है। ऑप्शन ए रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी देयर इज नो प्रोविजन लाइक दैट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज द ड्यूटी टू अरेंज 2 exits फ्रॉम ईच अंडरग्राउंड वर्क प्लेस, यानी प्रत्येक भूमिगत कार्यस्थल से 2 निकास मार्ग की व्यवस्था करना किसका कर्तव्य है। ऑप्शन ए माइनिंग सरदार का, ऑप्शन बी ओवरमैन का, ऑप्शन सी ऑनर का या ऑप्शन डी अंडर मैनेजर का। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ऑनर का। क्वेश्चन नंबर 49, इन हाउ मेनी डेज इन ए वीक मैनेजर वुड इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस, यानी मैनेजर प्रत्येक सप्ताह में कितने दिन कार्यस्थल की जांच करेगा। ऑप्शन ए 2 दिन, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 4 दिन, ऑप्शन डी प्रत्येक दिन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 50, इन हाउ मेनी डेज द एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल फैन इज इंस्पेक्टेड, यानी यांत्रिक पंखे की दक्षता कितने दिनों में एक बार ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 3 महीने या ऑप्शन डी 1 साल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 3 महीने में एक बार जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, इंक्लाइन क्या होती है। ऑप्शन ए गैलरी रोडवेज, ऑप्शन बी सरफेस से भूमिगत भाग में जाने वाला ढालू रास्ता, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टिंग लाइन या ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरफेस से भूमिगत भाग में जाने वाला ढालू रास्ते को इंक्लाइन कहते हैं। दोस्तों यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी लिंक्स दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा 4 PDF क्लिक हियर। तो यहाँ पे आप क्लिक करने से सीधे miningpapa.com की वेबसाइट में पहुँच जाएंगे, यहाँ पे सब अपडेटेड पोस्ट है। यदि वीडियो आने में समय भी लगता है तो भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल एड्रेस पोस्ट कर दीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आकर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, आपके ईमेल में PDF आ जाएगा। आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस पोस्ट नहीं करना है, आपको वेबसाइट के कमेंट में करना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।